सो गाइस कैसे हैं आप सब। होप सो आप सब बढ़िया होंगे। सो गाइस आज की डिस्कशन हमारी डच एंगल शॉट्स के बारे में होगी, तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस डच एंगल शॉट क्या होते हैं? डच एंगल शॉट एक ऐसी टेक्निक है जो आपकी फुटेजेस को मोर स्केरी बनाने की मदद करती है, और साइड बाय साइड ये हॉलीवुड मूवीज में बहुत ही ज़्यादा आपने देखी होगी। सो गाइज अब हमारा नेक्स्ट है कि डच एंगल शॉट को कैसे शूट करते हैं। तो उसके लिए आपको बस सिंपल बेसिकली अपने फ़ोन या कैमरे को टिल्ट करना पड़ता है टूवर्ड्स वर्टिकल या टूवर्ड्स हॉरिजॉन्टल, और आपका डच एंगल शॉट एक सिस्टमेटिक तरीके से क्रिएट हो जाता है। सो गाइज डच एंगल शॉट किन किन सिनेरियो के लिए शूट किया जाता है? तो वो बेसिकली शूट किया जाता है डेंजर स्केरी हॉरर के लिए। और अगर आप अपनी फुटेज को कलर ग्रेड कर दे और साइड बाय साइड साउंड इफेक्ट लगा दे तो आपकी फुटेज आपकी वो मोर स्केरी मोर डेंजरस दिख सकती है। और अभी मैं आपको दोनों साइड बाय साइड एंगल दिखाता हूँ, एक प्लेन शॉट लेने का और एक डच एंगल के तरीके से शॉट लेने का, कि उसमें कैसे हम किसी को डिस्प्ले कर सकते हैं बहुत ही स्केरी वे में। एंड कुछ सिनेरियो में डच शॉट का यूज़ फनी सीन्स के लिए भी किया जाता है। तो बेसिकली अगर आप साउंड इफेक्ट एंड कलर ग्रेडिंग कर देंगे तो आपकी फुटेज मोर फनी एंड अमेजिंग हो सकती है। और डच एंगल का शॉट हम तभी यूज़ करते हैं जब हम किसी एक मेंटल कैरेक्टर या अनस्टेबल पर्सन को डिस्क्लोज करने के लिए यूज़ करते हैं, तब हम डच एंगल का यूज़ करते हैं। मेरे को तो पर्सनली बहुत सारी मूवीज़ इसमें पसंद है, और मैं आपको कुछ मूवी के सीन्स भी दिखाता हूँ। आप बताइएगा कि ये डच एंगल शॉट्स आपको कैसे लगे और क्या आपको इससे जानने को मिला। सो गाइस यही कुछ सिनेरियो थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस करे डच एंगल के बारे में, और अगर आप कुछ जानते हैं तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए अमेजिंग टॉपिक्स के साथ और करेंगे कुछ धमाल। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।